बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एन जिसके नाम का पहला हर्फ हो उसकी शख्सियत ऐसी होगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एन से शुरू होने वाले नाम की शख्सियत बताने से पहले हम मुख्तसर बताते चलें कि इस चैनल पर हम मुख्तलिफ रूहानी मसाइल के हल के लिए वज़ाइफ, दुआ और तावीज़ात की वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं। अगर आपका कोई भी रूहानी मसला हो जिसका आपको हल ना मिलता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रूहानी मसाइल के हल की नई और पुरानी वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें और आप उनसे मुस्तफ़ीद हो सकें। या किसी भी किस्म के रूहानी मसाइल के हल के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए फ़ोन नंबर्स पर राबता कायम करें। अब हम आते हैं अपने असल मौजू की तरफ। तो नाजरीन, ऐसे अफराद जिनका नाम एन से शुरू होता है वो ज़्यादातर हसास तबीयत के मालिक होते हैं और छोटी छोटी परेशानियों को भी ये लोग दिल पे लगा लेते हैं और उन परेशानियों का हल तलाश करने के लिए सोचने में बहुत ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, जिस वजह से ये कम गो माने जाते हैं। एन अफराद साफ गो होते हैं और साफ गोई में ऐसी ऐसी बातें भी मुंह से निकाल देते हैं जो कि नहीं करने वाली होती, जिस वजह से बाज़ुकात इन्हें शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे अफराद इंतहाई ज़िम्मेदार होते हैं। अगर उन पर कोई ज़िम्मेदारी डाल दी जाए तो हर मुमकिन कोशिश करके उस ज़िम्मेदारी को पूरा करते हैं और दूसरों से भी तवक्को करते हैं कि वो भी उनके काम पूरी ज़िम्मेदारी से करें। अगर कोई दूसरा ज़िम्मेदारी पूरी करने में कोताही से काम ले तो ये गिला करने की बजाय बेजार होकर पीछे हट जाते हैं और उस काम को करने का दूसरा रास्ता इख्तियार करते हैं। ये अफराद खूबसूरती के इंतहाई कायल होते हैं और जो भी खूबसूरत चीज़ नज़र आ जाए उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की हर मुमकिन तदबीर सोचते हैं। ये लोग अपनी सोचों में बहुत खुश रहते हैं और इनकी मर्ज़ी के बग़ैर कोई भी काम इनसे नहीं करवाया जा सकता। बज़ाहिर ये लोग काफ़ी मुतमईन नज़र आते हैं मगर इनके अंदर बहुत तूफ़ान बरपा रहते हैं। अगर इन अफराद अपने दिल की बातें किसी से शेयर करें तो सुनने वाला हैरान होकर रह जाए कि ये इंसान अपने अंदर इस कदर परेशानियां समेटे हुए है। एन ख़वातीन अपने आप को बहुत अकलमंद समझती हैं और इसीलिए मौका महल के मुताबिक बात को तब्दील करने में कामयाब हो जाती हैं। एन से शुरू होने वाले लड़के लड़कियां अक्सर दिल लगी से काम लेते हैं मगर इश्क के मामले में ये लोग नहायत वफादार होते हैं और इश्क को हासिल करने की हर मुमकिन तदबीर लगाते हैं। जब एन अफराद किसी रिश्ते में जुड़ जाएं तो उसको निभाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। इनको ज़िंदगी में कामयाबियां फौरी नहीं मिलती, कामयाबी को हासिल करने के लिए इन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मुश्किलात का सामना करते करते ये असाबी तौर पर बहुत मजबूत हो जाते हैं और उन परेशानियों का हल तलाश करने के लिए ज़्यादातर अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, किसी से मदद इंतहाई ज़रूरत के तहत ही लेते हैं और अपने टारगेट को हासिल कर ही लेते हैं और इनमें बर्दाश्त की कुव्वत भी इंतहाई होती है। नाजरीन, ये था एन की शख्सियत के बारे में मुख्तसर सा अंदाज़ा। इल्मे गैब अल्लाह तबारक व तआला और उसके प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है। हमने आपको जो मुख्तसर सी खूबियाँ और खामियाँ बयान की हैं वो हमारे मुशाहदे का हिस्सा और एक कैफ़ा यानी अंदाज़ा है, और अंदाज़ा ज़रूरी नहीं कि 100% दुरुस्त हो और ये भी नहीं कि 100% ही गलत हो। नाज़रीन, हमारा मुशाहिदा आपकी शख्सियत के मुताबिक कितने परसेंट दुरुस्त है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और दूसरों से शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।